आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 13 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि लेट अल्फा कॉमा बीटा इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्मड बाय द लाइन दिस दिस एंड दिस। तीन अलग अलग लाइन दे रखा है, एक लाइन ये दे रखा है, दूसरा लाइन हमारे पास ये दे रखा है और तीसरा लाइन हमारे पास यहाँ पर ये छोटा सा और कुछ पार्ट इधर है, ठीक है। देन अल्फा प्लस टू बीटा और टू अल्फा माइनस टेंस बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसमें से कौन से का अपने पास रूट्स ये है। चलो सबसे पहले अपने पास कोई तीन लाइन है, एक लाइन अपने पास ये रहा, ठीक है, ये आ गया अपने पास, एक लाइन ये रहा, दूसरा लाइन हमारे पास ये रहा और तीसरा लाइन हमारे पास ये रहा। इस तीनों से अपने पास एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर अपने पास इंटरसेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं कि ट्राइंगल अपने पास लाइन पैरेलल है, ये तीनों लाइन अपने पास कॉन्करेंट भी नहीं और पैरेलल भी नहीं है कोई दो, ठीक है। तो ये अपने पास ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, इसका नाम हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, इसका नाम बी और इसका नाम सी मान लेते हैं। इसका अपने पास इक्वेशन कुछ नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा सा है। तो इस लाइन का अपने पास इक्वेशन बताओ, इस लाइन का इक्वेशन अपने पास कुछ भी मान लो, फाइव 15x और माइनस टेंस वाई इक्वल टू आगे अपने पास 82 के बराबर। इस लाइन का इक्वेशन किस बराबर जाएंगे तो ये आगे अपने पास 6x माइनस टेंस 5y और इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, माइनस टेंस 4 के बराबर। इस लाइन का इक्वेशन बताओ तो ये आगे अपने पास 9x प्लस टेंस 4y इक्वल टू आगे अपने किस बराबर, 17 के बराबर। हम क्या करते हैं, दो लाइन को लेकर के साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं और हमारे पास इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं, सॉरी ए बी सी निकालने की कोशिश करते हैं। तो 6x माइनस टेंस 5y इक्वल टू आ गया माइनस टेंस 4 के बराबर। दूसरा लाइन है अपने पास 15x माइनस टेंस वाई इक्वल टू आ गया अपने पास 82 के बराबर। अगर आप गौर से देखते हैं तो इसको तुम 15 से पाँच से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको अपने पास एज इट इज यहाँ पर चिपकाते हैं, ये किस तरह 6x और माइनस टेंस 5y इक्वल टू आ गया माइनस टेंस 4 के बराबर। बस कैलकुलेशन है, इसको अपने पास मल्टीप्लाई कर दो किससे, 5 से। तो जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया अपने पास 75x माइनस टेंस 5y के बराबर। ये 5 से मल्टीप्लाई तो 5 दूनी 10 और 8 पंचे 40 एक 41, ये आ गया अपने पास 410 के बराबर, है ना। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लो, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो है, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस ये तो गया। तो यहाँ से अपने पास 75 में से 6 माइनस कर लो तो 15 में से 6 जाएगा तो अपने पास 9 हो जाएंगे, 9x के बराबर है और ये आ गया 69 के बराबर, लेकिन माइनस और इक्वल टू किस बराबर जाएंगे तो यहाँ से बताओ, तो यहाँ से आ गया अपने पास 4 और यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर, तो 1 और ये आ गया अपने पास 4 के बराबर। यानी हमारे पास किस बराबर जाएंगे, माइनस टेंस 4 1 4 के बराबर। यानी x इक्वल टू किस बराबर जाएंगे तो माइनस टेंस 4 1 4 और डिवाइडेड बाय अपने पास माइनस टेंस 69 के बराबर। अब अपने पास कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो हमारे पास तो ऑप्शन है, हम कैलकुलेटर निकाल ले रहे हैं, अब ये खुल जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 69 को डिवाइड करो 4 1 4 से, आई थिंक डिवाइड हो जानी चाहिए। तो ये आ गया अपने पास 4 1 4 और डिवाइडेड बाय अपने पास कितना, तो ये किस बराबर जाएंगे, ये आ गया अपने पास 6 कैंसिल, x इक्वल टू आ गया अपने पास 6 बराबर। जैसे अपने पास x इक्वल टू 6 आ गया तो 15 जगह 60, 60 में से अपने पास y इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, 60 माइनस टेंस 82 के बराबर। y इक्वल टू बताओ तो y इक्वल टू आ गया अपने के पास किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 15 जगह 60, 60 माइनस 82, 60 माइनस टेंस 82 यानी किस बराबर जाएंगे, तो 6 में से 15 6 के 90 हो जाएंगे। किस बराबर जाएंगे, 15 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 90 और माइनस टेंस 82 के बराबर। 90 में से अपने पास 82 जाएगा किस तरह आ जाएंगे, तो ये आगे अपने पास यानी ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6.8 के बराबर। ऐसे ही अपने पास सारे को सॉल्व करना है और कुछ नहीं, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है दया। चलो अगला अपने के पास किस दोनों को सॉल्व करो, तो 9x और अपने के पास इसको और इसको सॉल्व करो, तो ये आगे अपने पास किस बराबर, तो ये आगे अपने पास 6x माइनस टेंस 5y और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, माइनस टेंस 4 के बराबर। और दूसरा इक्वेशन किस तरह 9x और प्लस टेंस 4y और इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर, 17 के बराबर। चलो इस दोनों का अपने पास थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको देखना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन तो खतरनाक है। कैलकुलेशन कुछ नहीं है अपने पास, बच्चों वाला कैलकुलेशन है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास कैलकुलेशन ठीक ठाक नहीं है, कैलकुलेशन ही है बस अपने पास, ऐसा दिमाग लगाने वाले कैलकुलेशन नहीं है, मजदूरी वाले हैं, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 6x, इसको क्या बोले, 6 दूनी 12 36 18, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपने पास 2 के, तो यहाँ से अपने पास 6 आ जाएंगे, तो 6 दूनी 12 क्या अपने पास 18x और माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे, तो 15y और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 4 3 12 के बराबर, हाँ है ना। और यहाँ से अपने कैसे इसको मल्टीप्लाई कर लो तो किस तरह आ जाएंगे 18x और ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास प्लस और 8y के बराबर और ये इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 17 34 के बराबर। हमें क्या करना है, घटाने हैं, चलो घटा दो, ये आ गया माइनस, ये आ गया अपने पास माइनस और ये भी रहा माइनस, 15 8 अपने कैसे किस तरह आ जाएंगे 23 के बराबर, लेकिन नेगेटिव टाइम्स और ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 4 2 6 के बराबर और 3 1 4 के बराबर, लेकिन माइनस टेंस। वाई इक्वल टू किस आ जाएंगे 23 2 46 2 के बराबर। एक्स इक्वल टू यहाँ से बता सकते हो क्या, एक्स इक्वल टू हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर, तो वाई इक्वल टू आ गया 5 2 10 10 में से अपने के पास 10 10 अगर इधर जाएगा तो अपने पास 6 बचे,
बचेगा या वाई एक्स इक्वल टू आपके किसके आ जाएगा वन के बराबर, यानी हमारे पास किस आ जाएंगे टू कॉमा वन, यानी बी पॉइंट आपके पास बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो आपके किसके आ जाएंगे टू सॉरी वन कॉमा टू के बराबर, ए बी आ गया और अपने का सी निकाल लो। इसके बाद दो आसान है, उसके बाद कुछ नहीं है। सी निकालने के लिए अपने के पास अच्छा ये सी ही आया है नया, ये हमारे पास क्या आया सी ही आया क्योंकि अपने का सी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है, सी का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो किसके बराबर जाएंगे तो वन कॉमा टू के बराबर है। ठीक है, पता चले कि ठीक है सी का कोऑर्डिनेट आ गया। अब अपने पास बी निकालने के लिए क्या करो, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 15 माइनस टाइम्स इसके बराबर, यहाँ से अपने पास बी निकालो, तो बी निकालने के लिए अपने पास दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो, कौन दोनों को, तो 15x माइनस टाइम्स वाई इक्वल टू 82 के बराबर, 15x और माइनस टाइम्स वाई इक्वल टू आ गया अपने पास 82 के बराबर, और दूसरा इक्वेशन किसके बराबर दे रखा है तो इस इक्वेशन को 9x प्लस 4y इक्वल टू 17 के बराबर, 9x प्लस टाइम्स 4y इक्वल टू आ गया अपने बराबर 17 के बराबर। हम कुछ नहीं कर रहे, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको अपने पास मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, मल्टीप्लाइड बाय 4 और इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये अगर मेरे पास 15 चौका 60x के बराबर और माइनस टाइम्स 4y के बराबर, और इसको 4 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 और 8 चौका 328 के बराबर, और जोड़ दो काम खत्म, ये और ये गया, तो यहाँ से अपने पास ये आगे 69x के बराबर, और यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 7 8 15 के बराबर, 2 1 3 1 4 के बराबर, और ये आगे 345 x इक्वल टू आ जाएंगे, तो 345 और डिवाइडेड बाय 69 के बराबर, ये सब 5 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 9 5 45 6 5 30 और 4 34 5 सेकंड x इक्वल टू आ गया अपने पास 5 के बराबर। जब x इक्वल टू 5 आ गया तो y इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 15 5 75 75 में से अपने पास 82 घटा दो ना, तो y इक्वल टू अपने किसरा हो जाएंगे, तो y इक्वल टू आ गया अपने पास 15 5 75 75 में अपने पास 82 आ जाएंगे, तो या गया अपने के पास 5 2 या 9 लेकिन अपने पास माइनस टाइम 7 हो जाएंगे आई थिंक माइनस टाइम 7, तो यहाँ से अपने पास बी पॉइंट का जो कॉर्डिनेट हो जाएंगे वो अपने किस तरह आ जाएंगे तो 5 -7 के बराबर, ए पॉइंट का जो कॉर्डिनेट हो गया वो अपने के बराबर हो गया, ए इक्वल टू आ गया अपने के पास 6.8 के बराबर 6.8 के बराबर, और सी पॉइंट का जो कॉर्डिनेट हो गया वो अपने के बराबर हो गया तो 1.2 के बराबर 1.2 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अल्फा कॉमा बीटा सेंट्रॉइड का कॉर्डिनेट बताओ, तो सेंट्रॉइड का कॉर्डिनेट अपने के आ जाएंगे 5 + 6 + 1 और बट्टा 3 के बराबर, और यहाँ से अपने के आ जाएंगे तो -7 + 8 और +2 के बराबर, और होल अपॉन अपने के 3 के बराबर, चलो गुरु हो जाओ। तो ये अगर अपने 6 7 5 12 12 को अपने पास 3 से डिवाइड करोगे तो अपने पास 4 के बराबर हो जाएंगे, और यहाँ से अगर अपने पास 8 2 10 10 में से 7 जाएगा 3 3 को अपने पास 4.1 के बराबर हो गया। जब 4.1 के बराबर, यही तो अपने पास अल्फा कॉमा बीटा है, यही अल्फा कॉमा बीटा है, यानी अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास 4 के बराबर, और यहाँ से अपने पास बीटा इक्वल टू किस बराबर देंगे 1 के बराबर। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन जो क्या पूछ रहा है अल्फा प्लस 2 बीटा और अल्फा माइनस बीटा के बराबर है, अल्फा प्लस 2 बीटा बता दो, अल्फा प्लस 2 बीटा किस बराबर हो जाएंगे, तो ये अगर 4 + 2 के बराबर, यानी आ गया 6 के बराबर, हाँ है ना, 4 + 2 के बराबर, और ये आ गया अपने पास 2 α - 10 β बताओ, 2 α और -10 β बताओ, ये किस बराबर हो जाएंगे तो 8 और -10 1 के बराबर, 8 में से 1 जाएगा तो अपने पास 7 के बराबर है। हमारे पास वो क्वाड्रेटिक बताते हैं जिनके रूट्स अपने पास एक ये है और एक अपने पास ये है, चलो हमारे पास वो जो फाइनल आंसर है FNF हमारे पास किस बराबर जाएंगे x² और माइनस टाइम्स अपने के साथ सम ऑफ रूट, तो 6 + 7 यानी आगे अपने किस बराबर हम डायरेक्ट लिखते हैं 13x के बराबर, और प्लस टाइम्स अपने अपने के किस बराबर 6 7 42 तो 6 7 42 42 = 0 के बराबर है। देख लो अपने के ये कौन से ऑप्शन है, यही हमारे पास आंसर हो जाएंगे x² - 13x + 10 = 42 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास क्या जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। कोई इतराज यहाँ तक हमारे साथ कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने के जेईई मेंस के 13 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, एकदम आसान सा क्वेश्चन था, बस अपने का कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।